उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट बन चुकी है गाजीपुर, जहां से बसपा के सांसद माफिया रहे मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी सांसद हैं। लेकिन इस बार उन्होंने बसपा का दामन छोड़ और सपा की चुनाव निशान पर वो गाजीपुर का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। वहीं राजनीतिक सरगर्मियां क्या हैं, भाजपा बसपा के प्रत्याशी अभी मैदान में नहीं आए हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि अगर कोई अफजाल अंसारी को चुनौती दे सकता है तो वो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। आपको बता दें, गाजीपुर जिला में इस बार सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इसी सिलसिले में लोगों से खास बातचीत करने पहुंचे सहारा समय संवाददाता सुशील तिवारी। आइए देखें ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल की सबसे हॉट सीट गाजीपुर जिले में इस समय हम आए हैं, जहां पर लोकसभा का समीकरण ऐसा है कि राजनीतिक पंडित भी हैरान हो जाते हैं। यहां पर मौजूदा सांसद अफजाल अंसारी इस बार सपा से चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले वो बसपा से सांसद रह चुके हैं। इस समय हम आए हैं गाजीपुर जिले में, जहां पर जनता का मूड क्या है हम आज जानेंगे। अगर डबल इंजन की सरकार की बात करें तो रोजगार कितना मिला, युवा कितना खुश है, और इसके साथ ही कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि राजनीतिक समझ रखते हैं। आखिर आने वाले समय में 2024 के लोकसभा का समीकरण क्या होने वाला है, सीधे मैं आपको दिखा रहा हूं। आखिर स्थानीय सांसद के विषय में जनता क्या सोचती है, अभी यहां से बसपा और भाजपा ने अपने प्रत्याशियों के पत्ते नहीं खोले हैं। आपका पूरा परिचय क्या? मैं ज्ञानेंद्र सिंह, गाजीपुर। अगर ऐसा है बाबू, यहाँ चुनाव तो हो रहा है, लेकिन जैसे सपा से अफजाल अंसारी को टिकट मिल चुका है, डबल इंजन की सरकार है, अब तक जो है कोई प्रत्याशी जो है भाजपा की तरफ से नहीं आ पाया है। अब जब भाजपा का प्रत्याशी आ जाएगा, उसके अनुसार ही जो है जनता जो है अपना डिसाइड करेगी। वैसे तो अफजाल अंसारी 3 बार लड़ चुके हैं, लेकिन उनका जो है करने का जो है तौर तरीका जो है हम लोग तो जो है यहाँ बहुत दिन से देख रहे हैं। 3 बार आए वो चुनाव लड़े, लेकिन यहाँ कुछ उनका जो है काम हम लोग को धरातल पर दिखाई नहीं दिया। आप अपना पूरा परिचय दीजिए। मैं सेना से रिटायर्ड हूँ और क्रिकेट से डिप्लोमा भी किया हूँ, एनआईएस किया हूँ। सुजल अजीत सिंह, एनआईएस कोच हूँ क्रिकेट का, और अभी भी स्टडी कर रहा हूँ, पढ़ाई भी कर रहा हूँ। अगर अजीत जी हम पूछें इस बार के चुनाव की, तो आप युवाओं को भी देखते हैं, खेलों में भी आप प्रतिभाग करते हैं, इस बार जनता का मूड क्या होने वाला है? सरकार जो ये वादा करती है, हमने रोजगार भी दिया, लेकिन हमने देखा जो अभी यूपी पुलिस की परीक्षा थी, चेहरे पे मुस्कान थे उन युवाओं के, लेकिन वो चेहरे मायूस से हो गए जब पेपर लीक हुआ। रोजगार पर आप क्या कहेंगे, सरकार ने कितना दिया? देखिए, रोजगार एक बड़ा बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं सरकार से यही चाहूंगा कि जो भी सरकार विज्ञप्ति जारी करती है, जिस भी भर्ती की नोटिफिकेशन जारी करती है, उस पर एक कैलेंडर जारी करे, उसको निश्चित समय में उसका एग्जाम कराए, रिजल्ट निकाले, ज्वाइनिंग कराए। ये अगर सरकार, बीजेपी सरकार, जो भी सरकार अगर सच में ईमानदारी का दावा करती है, तो इस चीज पे जरूर कार्य करे, अन्यथा मैं सरकार को भ्रष्ट मान लूंगा। मैं एज एक सोल्जर होने के नाते कह रहा हूँ, और अब तक मैं भ्रष्ट ही मान रहा हूँ, लेकिन विकल्प के अभाव में हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। हम इसीलिए बीजेपी को वोट दे रहे हैं, अन्यथा मैं बीजेपी को वोट पर्सनली नहीं देता। उनका ये कहना था कि हो सकता है भाजपा को उसका फायदा हो, अगर मैं उस पे आऊं तो आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए, मैं अगर 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 मैं अखिलेश जी की जगह होता है, राहुल गांधी जी की जगह होता, और मुझसे आप पूछते, तो मैं बड़े ही मतलब प्रेम भरे मन से जय श्री राम कहता और भजन करते हुए वहां पे श्री राम मंदिर में जाता, वहां दर्शन करता और कहता कि अखिलेश जी की जगह होता तो कहता कि मेरे पिता से गलती हुई, मैं उस गलती का प्रायश्चित करने आया हूं। और चूंकि देश राम का है, कृष्ण का है, तो बीजेपी सरकार को, बीजेपी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, और निसंदेह जनता आज जो है हमारे हिंदुत्व जो है इसमें, इस बात पे मुझे कोई संदेह नहीं है, और हम हिंदू हैं, गर्व से हिंदू हैं, और मोदी जी योगी जी से हमें बहुत अपेक्षा है, और अभी भी मैं मोदी योगी जी की का ही सपोर्ट करूंगा। पूछें अजीत जी, तो काफी परीक्षाओं को आपने करीब से देखा है, आईएएस की परीक्षाएं लीक नहीं होती, लेकिन ये परीक्षाएं लीक कैसे होती? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, मैं तो सेना से हूँ, हम तो सेना में तो गलती हुई तो पनिशमेंट है, कोई माफी नहीं है, तो सरकार को बिल्कुल चाहिए कठोर कार्रवाई करे, और कठोर कार्रवाई करेगी तो निश्चित रूप से पारदर्शिता बढ़ेगी और इस तरह का कार्य नहीं होगा। अगर हम आपसे पूछें तो गाजीपुर का इस बार समीकरण क्या होने वाला है, जनता का मूड क्या रहेगा, और आप क्या कहेंगे, अपना पूरा परिचय दें। मैं दीनदयाल गाजीपुर से। जनता का मूड चुनाव को लेकर
काम के ऊपर ज्यादा लोगों का ध्यान है और कुछ तो प्रत्याशी के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब लोग सोच ही नहीं पाते, समीकरण बदल सा जाता है, जाति फैक्टर भी हावी हो जाता है। मधुसूदन सिंह, पूर्वांचल का सबसे बड़ा रोग यही है कि जातिवाद पर वोट पड़ता है। अब जाल अंसारी जी कैंडिडेट है, अब बसपा किसको देती है उस पर आधारित रहेगा चुनाव। विकास पुरुष जो है सिन्हा जी जो है जो आ जाए तो हम लोग जो है गाजीपुर का जो है विकास जो है चाहते हैं। सांसद जो इस समय है अफजाल अंसारी, जो कि सपा ने उनको अपना उम्मीदवार घोषित किया है, चुनावी समीकरण क्या रहेंगे, आपकी क्या राय है, अपना पूरा परिचय। नंद जी सिंह गाजीपुर से। जो है जनता बदलाव चाहती है, लेकिन भाजपा का कोई कैंडिडेट अच्छा उभर कर आए सामने तो जनता उसको मनोनीत करेगी। तो इस मुद्दे पर अब विकास की बात हो रही है, गाजीपुर में कितना विकास हुआ? मैं विजय कांत सिंह, गाजीपुर में विकास के नाम पर कुछ भी नहीं है। जितने भी सांसद हुए हैं सब गलत हुए हैं, बहुत धुरंधर पड़े हुए हैं। राधे मोहन सिंह हैं, अरुण सिंह हैं, अन्य लोग पड़े हुए हैं, लेकिन अब देखते टिकट टिकने उस पर जो है यहाँ के जो है आबो हवा ठीक होगी। अफजाल अंसारी भी कैंडिडेट अपने व्यक्तिगत तौर पर तो बहुत अच्छे थे, लेकिन उनका जो है एक नाम जो आता है अंदर से जो है भाई के नाम पे जो है कलंक है, यही है। नहीं तो वो भी सांसद ठीक लगे, काम नहीं किए कुछ। इन मुद्दों पर इस बार चुनावी समीकरण हावी रहेगा। विकास के नाम वोट करेगी, जो विकास कराएगा देश का, प्रदेश का, गांव का, उसको हम वोट करेंगे। क्या है ग्राउंड जीरो से, गाजीपुर जिले में लोग हैं, इस बार माहौल क्या होने वाला है अपना? केश कुमार सिंह, समीकरण वही भाजपा का चलेगा, क्या हम कहें, उनको तो वोट देना ही बेकार है। सांसद बने हैं, कोई काम किए नहीं है, कोई एक काम बताइए कि किए हैं हम लोगों के क्षेत्र में। हाँ, चुनाव कामपुर तो भाई अब समाज के ऊपर है निर्भर, कम से आता है वो तो जो समाज के ऊपर है, व्यक्तिगत राय से तो हो नहीं सकता है। इस बार के मुद्दे गाजीपुर में क्या होने वाला है? इस बार का मुद्दा गाजीपुर में विकास के रूप में होगा, और जो विकास करेगी पार्टी उस पार्टी को वोट दिया जाएगा, क्योंकि अभी बीजेपी ने कोई कैंडिडेट फिक्स नहीं किया है अपना। पूर्व कैंडिडेट जो हमारे हैं अफजाल अंसारी जी, वो पूर्व पहले सब बसपा के प्रत्याशी थे, लेकिन अब इस बार उनको सपा ने टिकट दिया है, तो देखिए भाजपा किसको टिकट देती है, उस हिसाब से ये इस बार देखा जाएगा। अगर भाजपा किसी अच्छे कैंडिडेट को टिकट देती है तो इस बार भाजपा को वोट दिया जाएगा। गाजीपुर जिले में अफजाल अंसारी ने कितना विकास किया? कुछ नहीं, 0 पॉइंट। आपका नाम क्या है? अच्छा लाल। कितने नंबर 10 में से देंगे अफजाल अंसारी? एक को नंबर नहीं। तो फिर इस बार जनता का मूड क्या होगा? अरे वो तो गए, उनका तो अंदाज है कि सफाया है, लेकिन भाजपा ने तो यहाँ से प्रत्याशी नहीं खड़ा किया बसपा। करेगा ना, करेगा, इंतजार करिए, करेगा वो तो। अब वक्त जो काम किया होगा वो जीतेगा, जो नहीं काम किया होगा वो। डबल इंजन की सरकार ने विकास कितना किया? वो तो गुजरात में कुछ नहीं किया है, गाजीपुर में कुछ नहीं किया, और जो अदर कहीं किया होगा बाकी गाजीपुर में कुछ नहीं किया। लेकिन इस बार बीजेपी करे 400 के पार, तो कहने के हम ही कह सकते हैं, सभी पार्टी कहेगी, कोई पार्टी पीछे नहीं है, कहने को तो सभी कहेगा कि हम 100% ले जाएंगे। तो माहौल क्या होने वाला है? माहौल तो अभी कुछ नहीं बता सकते हैं, लेकिन इससे पहले अफजाल अंसारी चुनाव जीत चुके हैं। वो आंधी थी उस समय, कुछ और था, अब समय बदल गया है। क्या विकास किया गाजीपुर जिले में? सांसद ने विकास किया है, जमीनी स्तर पर विकास किया है, निकलेगी भाजपा ही। लेकिन गाजीपुर का ऐसा समीकरण लोग कहते हैं सिन्हा जी ने विकास किया, चुनाव हार गए। हाँ, विकास तो किए थे, काम किए थे गाजीपुर में, बहुत ज्यादा काम किए। दूसरे प्रांतों में हम लोग जाते थे तो हम लोगों को खुद बेइज्जती महसूस होती थी, काम किए थे लेकिन जनता नहीं सोच पाई, तो नहीं सोच पाई तो भाई जनता के ऊपर है। हाँ, क्या है चुनावी मूड क्या रहेगा इस बार? हर हर मोदी। अफजाल अंसारी यहाँ से सांसद हैं, सपा से चुनाव लड़ेंगे, और भाजपा का कैंडिडेट अभी तक खड़ा नहीं हुआ, आखिर चुनौती कौन देगा अंसारी बंधुओं? मुनसिन्हा आएंगे,
आएंगे और अगर मनोज सिन्हा जी नहीं आए तब तब तो अंसारी जी जाएंगे। आप क्या कहेंगे अपना पूरा परिचय? मेरा नाम राहुल चौधरी। अभी क्या चुनावी मूड क्या? चुनावी मूड तो अभी कुछ पता नहीं चल रहा है, अभी समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि नजदीक डेट होगा ना तो समझ में आएगा। आप विद्यार्थी हैं, गाजीपुर की जनता किस बिना पे वोट करेगी? रोजगार कितना मिला? अफजल अंसारी को हराने के लिए पार्टियां कमर कसती हैं लेकिन चुनाव हार जाती है। वजह यहाँ पे क्या है कि अगर मैं देखूँ तो सबसे बड़ी बात है यहाँ पे अशिक्षा, और लोग अभी जो फिलहाल वक्त में है हमारे जिले से 7 विधानसभा जो क्षेत्र है वहाँ पे हमने पूरी की पूरी सपा जीती है और सपा का ये पहले से ही गढ़ रहा है क्योंकि अल्पसंख्यक वोट और यादव वोट राजभर ये बहुत ज़्यादा फैक्टर करते हैं। बीजेपी कोई ऐसे प्रत्याशी को यहाँ से लाए जो इन सबको भुनाए, अल्पसंख्यक में भी वो अपना वोट खींचे और कुछ ना कुछ वो मुद्दे मेन बीजेपी का बस एम हो चुका है। सनातन धर्म अच्छी चीज़ें हैं, हिंदू धर्म को हम भी उसका सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो आजकल मेन मुद्दा है शिक्षा रोजगार, रोजगार से बहुत दूर दूर आप देखते होंगे रोजगार का कोई मुद्दा ही नहीं रह चुका है। अब आज के चुनाव में तो रोजगार कोई मतलब ही नहीं रहा है। विद्यार्थी कितने, अभी यूपीपी की इतनी बड़ी वैकेंसी हुई, इसमें भी घोटाला, अभी उससे पहले एआरओ वाली वैकेंसी हुई उससे भी, मतलब आप और यूपी पुलिस की इतनी बड़ी वैकेंसी में अब तक आप देखे होंगे आप न्यूज रिपोर्टर हैं किसी पे कार्रवाई नहीं हुई, क्यों नहीं हुई ये पता नहीं है। ओम प्रकाश राजभर ने दामन थाम लिया भाजपा का, क्या इस बार वो ऐसा कुछ रहे? उनका तो कोई वैल्यू नहीं समझते हैं, उनका कोई वैल्यू नहीं है ना उनका कोई अस्तित्व है। आप अगर उनको सिंगल कहीं से चुनाव लड़ाएंगे अगर बिना कोई बड़ी पार्टी के सपोर्ट से तो चुनाव हार जाएंगे, विधायकी तक नहीं जीत पाएंगे। अफजल अंसारी को सपा ने पहले ही खड़ा कर दिया, अभी भाजपा से कौन आएगा, आखिर मुकाबला कैसा होने वाला है, चुनावी मूड क्या रहेगा? मुकाबला मतलब तगड़ा होगा लेकिन भारी रहेंगे, अफजल अंसारी जी भारी रहेंगे। ऐसा समीकरण जहाँ पे लोग हैरान से हो जाते हैं लेकिन गाजीपुर जिले में अंसारी बंधुओं का रसूख इतना बड़ा है कि यहाँ पे दूसरे दलों को सोचने के लिए समझना पड़ता है कि प्रत्याशी किसको खड़ा किया जाए। गाजीपुर जिले से इस समय जनता के चौपाल से मैं सुशील तिवारी, सहारा न्यूज नेटवर्क, गाजीपुर। ऐसे ही देश दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे समय डिजिटल। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।